क्या लगा रखा है सर टीवी पे आप लोगों ने बताइए, मतलब सत्ता नहीं मिल रही थी तब परेशानी थी, अब मिल गई है तो आपके जो नेता हैं उनमें आपसी लड़ाई, छवि अच्छी नहीं जाती ना, मुझे पता है आपके पास 10 नहीं 50 जवाब होंगे इसके, लेकिन ये छवि थोड़ी अच्छी है सर। आप डिसाइड कीजिए ना, डिसीजन लीजिए, पहले से तैयारी रखते हैं, आपको पता नहीं था आप सत्ता में आ रहे हैं। ना तो सत्ता मिलने पे कांग्रेस परेशान होती है, ना सत्ता जाने पे परेशान होती है। हम लोग राजनीतिक दल हैं और ये चलता रहता है, पहली बात। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कर दूं, हमारा जो मुख्यमंत्री होंगे हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं कौन मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं सिर्फ बहुत स्पष्ट कह दूं, कांग्रेस के वर्कर ये चाहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो पूरा हो, हमारे मुद्दे पूरे हों, जो हमने वादे किए जनता से वो पूरे होने चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे लिए मैनिफेस्टो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रवक्ता ये मुख्यमंत्री के तो मामले में। तो सोनिया जी और प्रियंका जी क्या कर रही है राहुल गांधी के घर पे इस वक्त? क्या किसी माँ को अपने बेटे के साथ जाने में दिक्कत है? क्या अच्छा, किसी मिलने के लिए के साथ खड़े होने में कोई दिक्कत है? ये बताइए प्लीज, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का देखिए, एक सवाल का जवाब दीजिए भाई। राजीव जी मुख्यमंत्री, अब देखिए गंभीर चर्चा कीजिए सर ये, लेकिन हल्का मत बनाइए इसको, बताइए मुख्यमंत्री पर ही चर्चा कर रहे हैं ना आप लोग? देखिए मतलब निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पद पर चर्चा हो रही है, सोनिया गांधी जी हमारी पूर्व अध्यक्ष रही हैं, यूपीए चेयरपर्सन है, उनका दायित्व बनता है कि वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को राह दिखाए। पहली बार प्रियंका गांधी जी के बारे में बहुत स्पष्ट कह दूं, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। जिस तरह से आप इसको एग्जाम्पल को ऐसे समझिए कि मैं राजनीति करता हूं लेकिन मेरे परिवार के लोग बाग सारे राजनीतिक लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका दायित्व बनता है वो भी राय दें अपनी, तो सबको राय देना चाहिए, इसमें कहीं कोई राय नहीं है। रायपुर की तस्वीरें देखिए, अब समर्थक एक दूसरे पर हाथापाई एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, ये गलत और सही थोड़ी ना बैठ के यहाँ बताइएगा, ये तो आपके आलाकमान को जल्दी टाइमली डिसीजन इसीलिए कहा जाता है। पता है, एक सेकंड सुनिए, लीडरशिप की सबसे बड़ी काबिलियत यही होती है कि वो फिल्टर बन के फाइनल डिसीजन जल्दी ले, डिसीजन मेकिंग में कोई भी कमजोरी है देखिए, सुनिए जरा, बीप साउंड डालना पड़ रहा है ऐसे। जो भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुझे तीनों स्टेट्स में सुन रहे हैं वो निश्चित रूप से इस बात को जान लें। वो सचिन पायलट की नहीं सुन रहे सर, आपकी क्या सुनेंगे, बड़ा मुश्किल हो रहा है। डिसीजन लीजिए ना सर, कंप्लीट कर दूं, डिसीजन आज शाम तक हो जाएगा सर, बिल्कुल डिसीजन हो जाएगा, सुबह भी हुआ चार बजे, बिल्कुल डिसीजन हो जाएगा, कल भी चार बजे बताया गया, जो छह बजे आया था, प्रतिनिधियों की अपनी राय आ चुकी है, पर्यवेक्षक की राय आ चुकी है, निश्चित रूप से हम मंथन कर करके एक बेहतर चीफ मिनिस्टर आपको देंगे। और बहुत स्पष्ट कह दूं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, नई गंगा निकलेगी जो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बेहतर काम करेगी, विकास करेगी और अपने मैनिफेस्टो को पूरे करेगी। हमारा मैनिफेस्टो नहीं, हमारा वचन पत्र है, हम वचन देते हैं किसानों की बेहतरी के लिए। राजीव जी, राजीव जी, जिस भोपाल में दुष्यंत त्यागी ने ये लाइनें लिखी थी, उसी भोपाल में तो ऐसा लग रहा है आक्रोश की गंगा बह रही है। इसको आप आक्रोश जीत का जायका आप ही खराब कर रहे हैं सर, आपको तो आज बधाई देते हैं हम लोग बुला के कि राजीव जी आपने इतना अच्छा काम किया आप लोगों ने, क्योंकि चलिए आक्रोश मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन इसको जोश भी कह सकते हैं आप। हमारे हर नेता के इतने फॉलोअर्स हैं और निश्चित रूप से वो फॉलोअर्स मिलकर के सब लोग राहुल गांधी की जय बोलते हैं, आप किसी से पूछ लीजिए जाकर के। अरे कहीं राहुल गांधी और जनता का नाम अब नहीं लिया जा रहा है, सचिन पायलट आप भी कहीं की दावेदारी ठोक रहे हैं क्या? नहीं, मैं क्यों दावेदारी ठोक रहा हूं, मैं तो प्रवक्ता हूं, प्रवक्ता नहीं चाहता, मैं तो कहता हूं जिस मंच पर विश्लेषक हो इतने, वहां एक राजनीतिक पूरा नजरिया जो है वो एक हद तक ही रखा जा सकता है। कहीं ना कहीं भोपाल में ये मानी हुई बात है, तय बात है कि कमलनाथ जी बनेंगे, लेकिन राजस्थान से जो सीन्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो वास्तव में डराने वाले सीन्स हैं, क्योंकि आपके पास एक तो स्पष्ट बहुमत से एक कम, जाटों की दावेदारी, हनुमान बेनीवाल जीत चुके हैं, रामेश्वर दुधी जी टिकट ही जब बटे थे तो दिल्ली तक पछुआ गए सचिन पायलट को, तो आज की बाजी में कौन कहाँ है ये बिसात में समझ में नहीं आता है, ये पावर की मसलिंग है। और इस समय केवल ये कहना, पता है जो आप कह रही है वो कैसे चरितार्थ हो रहा है, एक बार फिर से वो तस्वीरें जरा हम दिखाना चाहेंगे, जो तस्वीरें आ रही है हाथापाई की, देखिए अलग अलग समुदाय के हैं, और चूंकि गुजर नेता है राजेश पायलट और दूसरी तरफ जो माली समुदाय है उससे आते हैं अशोक गहलोत, ये उनके बीच में टकराव, ये छत्तीसगढ़ की अब तस्वीर आ रही है अलग अलग जगहों से, ये छत्तीसगढ़ की दरअसल तस्वीर है, राजस्थान की नहीं है। अब देखिए ये बहुत आप खराब संकेत दे रहे हैं ना, अगर आप देरी करते हैं और उसकी वजह से हाथापाई की नौबत आती है, अलग अलग समुदायों में आपस में भिड़ जाते हैं अब शब्द बोल के, तो फिर इसके जवाब नेता का क्या काम होता है, डिसीशन मेकिंग
फैसला लीजिए, तुरंत लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं आप उसके लिए बैठे रहे सोए रहे। सचिन पायलट का जो ट्वीट है, सचिन पायलट का जो ट्वीट है एक बार पढ़ के सुना दे। सचिन पायलट ने कहा है, सभी कार्यकर्ता से शांति एवं अनुशासन बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। मुझे पार्टी के शीर्ष नेताओं पर पूरा विश्वास है। माननीय राहुल गांधी जी एवं श्रीमती सोनिया गांधी जी जो फैसला कर लेंगे उसका हम स्वागत करेंगे। हम सभी कांग्रेस के समर्पित पार्टी की गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। ये अब से कुछ ही देर पहले सचिन पायलट ने ट्वीट किया है और ये अच्छी बात है कि इसे पढ़ के हम भी बता रहे हैं, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता हैं समझिए कि ऐसे वक्त पर इस तरह का मतलब बहुत कम समय लगता है होश को और जोश को उन्माद में बदलने में, और तब परिस्थिति अच्छी नहीं होती है लोकतंत्र के लिए। एक सेकंड, अब आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अमन सिन्हा जी, अरे जोश है, उत्साह है, क्योंकि जीते हैं। अब इसका भी खलल डाल डाल के बोलने लगे क्यों टाइम लग रहा है, क्यों टाइम लग रहा है। सर यूपी में मुझे याद है सुबह से शाम तक हम ब्रेकिंग ही चला रहे थे कि अब मनोज सिन्हा जी वहां जा रहे हैं, अब वो वहां जा रहे हैं, फिर योगी जी का। तो महत्वाकांक्षी तो हर पार्टी में होते हैं सिन्हा जी। अंजना जी, 15 वर्षों के सूखे के बाद कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जैसे तैसे बहुमत के पास पहुंची और फिर हमने देखा कि असली हल्ला बोल और दंगल जो है वो कांग्रेस के ही लोगों में आपस में हो गया। और ये आंदोलन, ये जो उपद्रव हो रहा है अंजना जी, ये कोई किसानों की कर्ज माफी के लिए नहीं हो रहा। उन्होंने 10 दिन की बात की थी, 3 दिन तो वैसे ही गुजर गया अंजना जी, अभी नेता का ही नहीं पता चला है। 5 साल ये सरकार कैसे चलेगी और क्या अपनी प्रॉमिसेस पे डिलीवर करेगी, मैं तो इस बात को लेके चिंतित हूँ। कांग्रेस पार्टी कह रही है CLP ने डिसाइड कर दिया, ऑब्जर्वर ने डिसाइड कर दिया, मतलब राहुल गांधी जी जो हैं वो जितना उपद्रव चल रहा है उसकी जिम्मेवारी उनके ऊपर पड़ेगी क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो ये कांग्रेस पार्टी का ये हाल है अंजना जी। आप मुझे बड़ा दुख हुआ जान के, जब आज तक पे अभी मैंने सुना कि राजस्थान में जो है वो जयपुर वाला हाईवे बंद हो गया है, लोग वहाँ पे रास्ता बंद करके कोई टायर जला रहा है, क्या क्या हो रहा है। और हर जगह यही स्थिति है। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों को विजुअल्स देखने को मिले आज तक पे अंजना जी, लोग वहाँ पे भिड़ गए हैं, असली दंगल हो गया है। अमन जी ठीक है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आपकी बात भी सुना रहे हैं। एक सेकंड सर, ये जो विरोध सड़कों पर हो रहा है, आम आदमी को परेशानी हो रही है, वो गलत है, लेकिन मैं कुछ आंकड़े सुनाऊंगी तो आप उतने ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, पता है आपको यूपी का CM डिक्लेयर करने में कितने दिन लगे थे? मेरे पास आंकड़े हैं, 9 दिन प्रभु, 9 दिन लिए थे आप लोगों ने। 11 मार्च को और 18 को आपने डिक्लेयर किया था कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए। अब जब मैं बोल ही रही हूँ तो आप मत बोलिए, इसमें सवाल का हिस्सा है, रुक जाइए। महाराष्ट्र 19 अक्टूबर को, 28 को फिर आपने डिक्लेयर किया था, एक जगह 7 दिन, एक जगह 9 दिन, कहीं पर आपको 6 दिन उत्तराखंड में लगे थे, आंकड़े निकाले हैं सर, इसीलिए हिमाचल प्रदेश 6 दिन। अब इतने में ये बवाल करें, लेकिन इससे पता है राजीव त्यागी जी, आप इस हंगामे को नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। ये समझिए ना कि वहां पर कम से कम ऐसे उत्पात तो नहीं मचा था ना समर्थकों का, ऐसे ऐसे मतलब ये तो रैंसम की तरह बिहेवियर है ना, कि आप सड़कों पर उतरे और टायर जलाएं। हर व्यक्ति को लक्ष्मण रेखा नहीं उभारनी चाहिए और लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना चाहिए, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। मैं अपनी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये भी मैं सहमत हूँ इस बात को लेकर के कि निश्चित रूप से 15 साल बाद जीतने के बाद और इधर वसुंधरा जी के कुशासन को उखाड़ फेंकने के बाद हमारे नौजवान जो समर्थक हैं सभी नेताओं के बहुत उत्साही हैं इस टाइम। और अल्टीमेटली आपको ऐसा चीफ मिनिस्टर मिलेगा जो 10 दिन में किसानों को कर्जा माफ करेगा, जो नौजवानों को बेहतर बेरोजगारी भत्ता देगा, जो कानून व्यवस्था बेहतर करने का कार्य करेगा, ऐसा चीफ मिनिस्टर होगा जो 2019 में भी हम लोगों को लोकसभा में भी विजय दिलाने का काम करेगा और मोदी जी की जुमलेबाजी का माकूल जवाब देने का काम करेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से 2 तस्वीरें दिखाई पड़ी, एक जो आग लगी हुई दिखाई पड़ रही है, दूसरा जो धक्का मुक्की थप्पड़ मारा जा रहा है, मुझे लगता है इससे कांग्रेस की छवि को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है कम से कम उन्हें अपने समर्थकों को रोकने का काम करना चाहिए। अगर वो नहीं रोक पा रहे हैं इसका मतलब या तो वो चाहते हैं कि इस तरीके से झगड़ा चलता रहे ताकि जो आलाकमान उनके ऊपर दबाव बनता है। डेमोक्रेटिक तरीके से आप ही कहते थे ना विधायक दल के नेता चुन, नलिनी जी अब आप भी जरा बोलिए, ये देखिए ये तस्वीर अच्छी थोड़ी बनती। बिल्कुल नहीं, ये उपद्रव हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये तस्वीरें अच्छी नहीं है, इसमें जोश से थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, जोश से ऐसा ना हो कि बेहोशी में चले जाएं। लेकिन मुझे ये कहना है कि ये सब लोग देखिए, ये टेलीविज़न की भी थोड़ी देन है, क्योंकि ये समझते हैं कि मौका यही है,
इसी वक्त दिखा दीजिए, अपने अपना हाथ दिखा दीजिए। और तीसरी बात मुझे लगती है कि भैया ये मैंने सोचा ही नहीं था, सहमत नहीं हूँ। देखिए इसमें आपको कितने लोग कैमरे की तरफ देखते हुए, देखिए अंजना जी आप और मैं खुद जानते हैं, अगर मैं आपको वहाँ ले जाऊँ कितने लोग, सब लोग एक मिनट, सब लोग आपको पहचान जाएंगे। कैसे पहचानेंगे, पीठ से थोड़ी पहचानेंगे। नहीं नहीं मेरा आपसे कहना ये कि वो जानते हैं कि इस वक्त टीवी पे उन पर है, और सबसे ज़्यादा उनको लगता है मौका यही है अपने। लेकिन मुश्किल क्या है, अगर अपने जात के लीडर को ये मान रहे हैं इस वक्त, तो उसमें मुझे ज़रूर काफ़ी ज़्यादा चिंता है। लेकिन एक और बात मुझे लगता है कि ऐसा अब ये लगता है कि ये जो नेता है, ये जो जवान नेता है, ये काफ़ी दमदार निकले। मैं सोचती थी कि ये तो बुजुर्गों के सामने शायद पीछे हट जाए, ये तो लगता है कि डट गए, ये तो उसमें मैदान में मौका ही तो नहीं मिलेगा लगता है युवा नेताओं को, इसीलिए उनको पता है। देखिए ऐसा नहीं है कि पहली बार है पार्टी में, पहले भी मुख्यमंत्रियों को लेकर के विधायक दल में होता था, मतभेदता होता था, बाकायदा वोटिंग भी कराई जाती थी, कौन विधायक दल की बैठक हो चुकी। मुझे लगता है कि असली में जो अभी बात कही जा रही थी, होना ये चाहिए कि नेतृत्व की तरफ से संकेत हो और उन मामलों को पहले से कहा जाए कि कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरेंगे, ये सुनिश्चित किया जाए। लेकिन चूंकि दुर्भाग्य यही है कि ये कहा जाता है कि नहीं हम सारे कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि वो बताएं, ये ठीक है कि आज मॉडर्न ज़माने में राहुल गांधी अपनी नई पॉलिसी बना सकते हैं, कांग्रेस का पूरा संविधान बदल सकते हैं चूँकि वो अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कार्य समिति है। यदि 2.5 लाख लोग फैसला करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री हो, तो कैसे होगा? आलोक जी से थोड़ा डिफर करूंगा, अगर राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं तक आउटरीच किया तो ये उनके लीडर का काम था, ये अच्छी बात थी। लेकिन ये जो हो रहा है, मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि इस समय कांग्रेस से लोग अलग उम्मीद कर रहे हैं, उसको अलग दृष्टि से देख रहे हैं, और कांग्रेस 4.5 साल तक लगातार बुरी खबरें पाते पाते एक सही मुकाम पर जाकर खड़ी हुई है। वहां अगर लोग जोश में होश खो रहे हैं और उनके नेता दिल्ली में बैठकर अपनी चालें चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, इसे रुकना चाहिए।